कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आई एम स्पीचलेस एंड वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. आप लोग ही हो जो चूज़ करते हैं हमें, सो थैंक यू. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया है? हमने सुना है एक बड़े इन्फ्लुएंसर स्टार की कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया है. हाँ, एक्चुअली मैं ज़्यादातर अभी इंटरनेशनली कर रही हूँ, सो इसीलिए मुझे चूज़ किया गया है. तो आने वाले दिनों में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले वेट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे आने वाले, अगर मैं बता दूंगी तो आप देखोगे कैसे. सॉन्ग भी आ रहे हैं एंड हो सकता है आप टीवी पे भी देखो. यस, इंशाल्लाह. वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ऑल द बेस्ट टू देम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो गूगल बॉलीवुड को ब्लेसिंग, इनको बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस लाइक समझा हमें. इनफैक्ट मुझे जो अवार्ड मिला एक एज ए फॉक्स में मिला है. एंड सिंस लास्ट ईयर आई वॉज एट कान फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज ए फॉक्स सिंगर. आई बिकम द फर्स्ट फॉक्स सिंगर मूव टू द रेड कारपेट. और यहाँ यहाँ पर भी रेड कारपेट बिछा हुआ है. या वेरी हैप्पी. थैंक यू. एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है? प्लीज प्लीज टेल मी. सो या So, I'm nominated for Luxury and Lifestyle Influencer for the year 2022 and 23. And hopefully I'll get the award. So, wish me all the luck, that's it. This is Tehran Bakshi, by the way. Thank you, guys. Any upcoming project would you like to share? So, I'm working with all top-notch brands from BMW, Mercedes and all these. So, I'm an influencer by profession. And I think I'm getting that award. So, thank you so much. बॉलिस्टिक जो बॉलीवुड बूबल बॉलीवुड को बधाई हो. एंड बाकी राम जी, थैंक यू राम जी. यूजली वेरी फैमिलियर विद द माइक्स एंड ऑल. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बैलिस्टिक 2023 एंड स्पेशली विद वीजी के साथ आए. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम ऑफ गूगल बॉलीवुड एज देर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अवार्ड. सो वी एक्साइटेड गो इन एंड Firstly, I am very happy to be here, and I think awards are like, you know, artists are like
children. We love to receive awards, we love to get appreciated for our work. So अच्छा लगता है. और ऑल्दो आजकल बॉम्बे का मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रखा है, सो यू नो जस्ट दैट फीलिंग ऑफ ड्रेसिंग अप एंड गोइंग आउट ऑफ योर हाउस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग. सो आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड या आई वॉन्ट टू गो इन साइड एंड सी हू ऑल आर देयर. अरे वेरी गुड, हाउ आर यू? या एक्चुअली आजकल मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है दैट आई स्टाइल माई ओन सेल्फ. आजकल मैं हमेशा अपने आप को स्टाइल करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं अपने खुद के कपड़े जितना हो सके पहनूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जब आप स्टाइलिस्ट से स्टाइल कराते हैं तो वो उनका एक विजन होता है, लेकिन जब आप खुद को स्टाइल करते हैं सो यू नो यू ऑलवेज नो कि वॉट लुक्स बेटर ऑन यू. सो या दिस इज़ जस्ट मी बींग माई सेल्फ. Yes, my show is coming, Drishti, on Atrangi TV. So yeah, stay tuned. I am just waiting for the shoot to start very soon. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली ये गूगल बॉलीवुड का पहला अवार्ड शो है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आउटफिट तो आज मेरा ऑल पर्पल आउटफिट है, यू नो उसमें स्टोन्स है, फेदर है, पूरा ऐसा क्यूट सा आउटफिट है. मैं तो बहुत खुश हूँ एंड एज यू ऑल नो मी, जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड अबाउट इट. सो यार मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू. I'm given to understand that this is Bollywood and OTT awards. OTT has become a worldwide phenomena. In India, it has completely changed the entire broadcasting landscape, whether it's motion pictures, whether it's series. OTT has become, has entered into almost every household. It's you're carrying Bollywood literally in your hands these days with the way the OTT has changed the entire landscape. First edition, looking forward, glad to be here as a presenter, and I wish them all the best for all the seasons to come. थैंक यू सो मच. मैं गूगल बॉलीवुड को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, एंड उन सबको विश करना चाहूँगी जो सब सेलेक्टेड हुए हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन.
थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और अवार्ड फंक्शन में हम जैसे टेक्नीशियन के लिए आना बहुत सौभाग्य की बात होती है। देखो एक्ट्रेस को तो सब लोग बुलाते हैं बट टेक्नीशियन को जब बुलाए तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ इसलिए कि अब मुझे हर अवार्ड फंक्शन में बुलाते हैं लोग तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। अभी बेकाबू और नागिन दोनों चल रहे हैं। सर अगर हम बात करें नागिन की, नागिन को काफी बड़ा एक्सटेंशन मिला, बैक टू बैक एक्सटेंशन मिलता गया, ये कहीं ना कहीं आपके ट्विस्ट एंड टर्न लाने की वजह से हुआ है, क्या कहना चाहोगे? और तेजस्वी प्रकाश को इतना बड़ा स्टार बना दिया। तेजस्वी स्टार है, उसके अंदर स्टार है, मैं नहीं बनाया। हाँ ये है कि मेरे साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मेरे मन में जो आता है वो उसको बहुत जल्दी समझ जाती है और बहुत अच्छे से वो करती है। आप बताना चाहेंगे तेजस्वी के बारे में, स्टेक में किस तरह से तेजस्वी मैम काम करती? मेरे साथ तो बहुत अच्छा करती रही और मेरे साथ मतलब मेरी बच्ची की तरह वो काम करती है। एक तो क्या है वो दोनों इनफैक्ट करण और तेजस्वी दोनों मेरे बच्चे जैसे हैं और मुझे बड़ा सम्मान दिया उसने। तेजस्वी बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है और चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करती है, बहुत जल्दी समझ जाती है और बहुत फटाफट करती है। मैंने तो कहा था पिछली बार भी आपको कि वो हमारी लेडी गोविंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं करण सर ने एक बार कहा था कि वो तेजस्वी से मिलने जा सकते बिकॉज ऑफ आपके वजह से, नहीं तो दूसरा कोई होता तो। ये सच है मेरी वजह से करण मेरा बेटे जैसा है तो वो मेरे सेट पे आने में हिचकिचाता नहीं है। जनरली कोई बड़ा स्टार जनरली दूसरे के सेट पे आता नहीं तो वो मेरी वजह से ही मेरे सेट पे आता था। तो कब आप दोनों को लेकर कुछ सॉन्ग? मैं चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर दोनों को लेकर के, मैं तो एक फिल्म करना चाहता हूँ। हमने कुछ बातचीत भी की थी कि दोनों को लेकर मैं एक फिल्म करूँ। काफ़ी किस तरह का फिल्म होगा, रोमांटिक होगा क्या होगा? एक बेशक रोमांटिक होगा। हमने देखा है कि आजकल मीडिया भी कर रहे करण कुंद्रा। नहीं, मैं एक्शन तो करण कुंद्रा के ऊपर बहुत अच्छा लगता है मेरा। मैंने कुछ अभी फाइनल तो नहीं कुछ हुआ है लेकिन कुछ बातचीत हमारी हुई थी। चल रही है जी। थैंक यू। क्या बात। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पर आने का मौका मिला। ऑब्वियसली बहुत सारी टाइमिंग्स यहाँ वहाँ हो रही थी और फाइनली आज हो रहा है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स गूगल एंड एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल थिंग। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स लॉट। थैंक यू। Thank you.
मैं मतलब आई एम रियली एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ऊपर वाला है जो रखने वाला है. और सबसे बड़ी बात, इस इवेंट की सक्सेस होने में पारुल दी का बहुत सबसे बड़ा हाथ है. ऑनेस्टली मतलब बींग एज अ मतलब कलीग, एज अ मीडिया, मैं सबको ये बात बोलूँगा कि कभी रुको मत, सिर्फ सोचो और आगे बढ़ते जाओ, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी. चैलेंजिंग तो मैं बोलूँ तो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट उनको अडॉप्ट किया, चीज़ों को समझा, और सबसे बड़ी बात है हिम्मत नहीं हारी. और फिर वही बात आएगी कि जब ऊपर वाला आपके साथ होता है और आपको एक अच्छी सपोर्ट देता है, भगवती की कृपा होती है, तो सब अच्छा हो जाता है. बाकी ये है कि मतलब जितने भी लोग आए हैं आज, जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, पारुल दी हैं और बाकी सब लोग हैं, मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर शायद ये लोग बराबर नहीं खड़े होते तो ये इवेंट सक्सेस नहीं होता. नहीं एक्चुअली इसके अंदर ना इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग. दिस इज़ बीइंग 2014-15, वी आर मतलब उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो YouTube का ट्रेंड नया शुरू हुआ था. और YouTube पे मुझे ना सबसे बुरी चीज़ लगती है, सॉरी टू से ऑल, मतलब जो किसी भी एंकर को एक्टर को लोग अब्यूज़ लिखते हैं ना, लेकिन मुझे ये था कि चैनल बनाते हैं, चलो देखेंगे क्या होगा आगे जाके, बट उससे बड़ा दिल टूटा और दिल दुखा भी. और इस चैनल का नाम रखा मेरे दोस्त ने, वन ऑफ माई वेरी क्लोज बडी प्रीतपाल कौर, एंड मी एंड शी मतलब वंस दे टुगेदर ऑन टॉकिंग ऑन अ फोन, तो यार एक नाम रखना क्या किया जाए. देन वी रिक्रिएटेड दिस नेम गूगल बॉलीवुड. हमारा प्लान था कि अगर गूगल पे सब मिलता है दुनिया का, तो गूगल पे मिलेगा बॉलीवुड. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक गूगल बॉलीवुड ने पंजाब से अपने पैर निकाले और मुंबई पहुंच गए, और गौरव और उसकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं. हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब में इसने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर भी और अच्छा काम करे, और ये शहर बहुत कुछ सिखाएगा भी और बहुत कुछ देगा भी. और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, एंड आई होप अगली बार इवेंट पर बारिश ना हो ताकि और ज़्यादा लोग आएँ. और ट्रैफिक बड़ा मिल जाता है, टाइमिंग के चक्कर में हम लोग लेट हो जाते हैं, तो इसलिए पहले हाथ जोड़ के माफ़ी है भाई साहब. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोग पहुँचे, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इस सब सपोर्ट की आई थिंक जिनका पहला काम होता है उनको बड़ी ज़रूरत होती है, और आप जैसे पायनियर आए हैं तो अच्छा ही होगा इवेंट इसका. थैंक यू. Guys.
guys, we're done already. So this is my award. Thank you so much for everyone. It's very exciting. Not that I'm nominated for anything, but somebody has to come and cheer people up also. So here, kudos to everybody who's winning an award. A big congratulations to each one. आई थिंक ये अवार्ड फर्स्ट टाइम हो रहा है एंड और मुझे भी एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड एंड नाइस फीलिंग कि जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर उस मेहनत को जब यू नो प्रशंसा मिलती है, उसकी तारीफ होती है, तो अच्छा लगता है. अरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपको ना मुझे अच्छा लगता है जब चीज़ें ना एकदम बन जाती हैं और फिर अनाउंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है. ऐसे पहले नहीं बताना चाहूँगा, बट यस देर इज़ समथिंग विच इज़ इन द लाइन एंड इट इज़ कमिंग वेरी सून. अभिषेक,
बस मैं हमेशा कहता हूँ आपका प्यार ही मेरी ताकत है, और अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकत देते रहिए, तो इसी तरह हम दोनों और काम करते रहेंगे। आज सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों को ये अवार्ड यहाँ पर मिलने जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि दोनों भाइयों को एक साथ अवार्ड मिलने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी फीलिंग है, और हम चाहेंगे हम दोनों इसी तरह आगे साथ में काम भी करें और अच्छा कुछ करें, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। सो वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मम्मी जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के दिन दोनों ने कह दिया? मैं बहुत खुश हूँ। खुश है आप? मम्मी हमारी बड़ी क्यूट है। कितना खुशी है दोनों बेटे के साथ काम करके, कितना खुशी होगा। बहुत खुशी है, खुशी है। अभी मुझे क्या बोला आपने, क्या बोला था आई थिंक मैंने ऑलरेडी हम सब ने हम सब बहुत बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। दिस वाज अ वेरी गुड डेब्यू फॉर हर एंड आई थिंक वी शुड ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी अहेड। थैंक यू, थैंक यू। वेरी वेरी हैप्पी। मुझे याद है जब मेरी फ़ोन पे इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, तो आपको याद नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहले बाइट जो थी वो आपने हमें दी थी, और टुडे वी आर 6 years old एंड ये पहला हमारा अवार्ड शो है एंड वी वॉन्ट टू यू नो फेलिसिटेट यू। सो आई वाज लाइक श्योर आई विल कम, आई डोंट प्रॉमिस बट आई विल कम। तो अभी मेरी शूटिंग आज लकीली जल्दी पैकअप मेरा हो गया, सो आई एम हियर एंड आई एम गोइंग गो अप नाउ। अर्जुन आपका न्यू सीरियल आ रहा है शिव शक्ति, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो हमने शुरुआत वाराणसी से की और गंगा दशहरा के दिन किया, एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस डे होता है वो, और मेरा पहला शॉट भी गंगा जी से निकलने का था, सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। और परसों शो रिलीज़ हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें, और जितने भी लोग यू नो हैं ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी बात सुने और शो देखने ज़रूर आए। प्रोमो को लेकर काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, आप क्या कहना चाहिए, आपको किस तरह का रिएक्शन मिला? एवरीबडी लव द प्रोमो, आई थिंक प्रोमो को इतना प्यार मिला है एंड उन्होंने शूट भी बहुत अच्छे से किया था, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और जो कमेंट्स थे और जितने लाइक्स आए हैं प्रोमो पे, तो एवरीबडी हैज़ देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, नाउ लेट्स होप दैट द शो डज वेल। थैंक यू, थैंक यू। Glad people still remember me and they're expecting new things and it's kind of a comeback after a couple of years. Okay, main ye bolna chah rahi hu ki it's honor to be here. 2-3 saalon ke baad I'm back and there's a good things coming soon aur it's a comeback, so I'm very happy to be here, honestly. Kya kaaran ke 2 saal 3 saal aap mera accident ho gaya tha 2019 mein, meri gardan toot gayi thi, but this is a very strong comeback. पूरे वर्ल्ड में आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी ये स्टोरी है जिन्होंने कमबैक किया है। इंटरनेट पे तो कोई भी स्टोरी नहीं है,
सो स्पाइन टूटने के बाद वापस आना, फिजिकली कम बैक करना और दोबारा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना, इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा करंट वर्क, पिछला काम, आने वाला काम सब छूट गया था. एक साल मैं बेड रेस्ट पे थी, दो साल रिकवरी में लगे हैं, बट दिस टाइम आई एम बैक विद द बैंग बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट्स आर ऑन द वे. आई कंप्लीटेड गुड प्रोजेक्ट्स, बहुत जल्दी आप स्क्रीन पे देखने वाले हो. आपके डॉक्टर के बारे में बताइए, क्या है ये? इट्स TSM, इट्स द श्वेता मेहता, नाउ इट्स रजिस्टर्ड ऑल्सो, सो इन फिटनेस डिपार्टमेंट इट्स माइंड. मैंने MTV शो किया नहीं है, मैंने MTV शो जीता है. मिस इतना कि आई थिंक जो अभी MTV रोडीज चल रहा है, आई फील आई शुड हैव बीन देयर, बट ऐसा हो नहीं पाया. हो सकता है उससे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑलवेज. मैम क्या कहना चाहोगे? सेंटर लुक. मैम सेंटर लुक. श्योर. इन दिनों काफ़ी बात होती है उर्फी जावेद की, और उर्फी जावेद जब भी आती है तो हंगामा मचा देती है. आप क्या कहना चाहिए उर्फी जावेद के फैशन के स्टाइल का? आई लाइक हर बोल्डनेस, आई डोंट लाइक हर फैशन. सॉरी 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 कैन यू रिपीट मैम? आई सेड आई लाइक हर बोल्डनेस, द वे शी हैज़ कम आउट एंड शी इज़ वेरी फियरलेस, बट आई डोंट लाइक हर फैशन. क्यों नहीं पसंद है उनका फैशन आपको? नो, इट्स एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल स्टेटमेंट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट फैशन स्टेटमेंट. आई जस्ट डोंट लाइक इट. यू लव द बोल्डनेस. आई लाइक द बोल्डनेस इन टर्म्स ऑफ जो वो करती हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, राइट? अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो फेम के लिए ऐसा करती हैं तो तुम भी कर लो. सब लोग नहीं करते हैं बिकॉज सब लोग कर नहीं पाते. सो whatever she is doing, it's amazing, but fashion is अपना अपना पसंद होता है. उनके कपड़ों को लेके काफी आलोचना होती है, कल आलोचना हुई है, क्या कहना चाहिए? उनके कपड़ों को लेके आलोचना होती है, उसके अलावा टॉपिक क्या होता है उनसे रिलेटेड? थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाय. ओके सो आज बहुत ही स्पेशल डे है एंड स्पेशली लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ आके एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. होप फॉर द बेस्ट. आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, कौन से डिजाइनर थे आप? जी ये कैलकटा से ही मैंने लिया है, सो वहाँ जो स्टाइलिस्ट है उन्होंने. आपका शो का हीरो भी आया था कुणाल भाई का. ओके कुणाल भाई भी आया था, क्या बोलना चाहते हैं? ओके कुणाल, अच्छा ऑफ कोर्स अगर पहले देख मतलब मिल जाते तो अच्छा होता, फिलहाल अभी आई थिंक ही हैज गॉन. सो ओके नहीं, बहुत मिस कर रही हूँ, डेफिनेटली बहुत मिस कर रही हूँ. एंड दुर्गा और चारू वॉज अ वेरी लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो ऑफकोर्स लाइक आई मिस द एंटायर फैमिली, दे आर लाइक माई फैमिली ओनली. सो यस. आने वाले दिनों में हम आपको कहीं बिग बॉस में देख पाएंगे? अच्छा ये तो वुड लव टू डू बिग बॉस. या डेफिनेटली आई वुड लव टू डू, बट लेट्स सी अगर मुझे बुलाएंगे तो डेफिनेटली I'll go. आप जाएंगे मतलब? डेफिनेटली जाऊंगी. ये अवार्ड भी मिला है, किस कैटेगरी के लिए मिला है अवार्ड? ये बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस इन टेलीविजन. आपने काम में अच्छे किए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. सो फॉर दिस साइड.